आरती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरती जी, आपका आज तक पर स्वागत है और बहुत दुखद घटना हुई है। सबसे पहला सवाल या कहें कि आरोप आपकी पुलिस पर यही लग रहा है कि इस घटना को जानबूझकर एक दूसरा एंगल दिया गया। ये घटना जो थी ये नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर थी, लेकिन इसे रॉबरी का हिस्सा, रॉबरी का एंगल दे दिया गया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? इन आरोपों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने कभी रॉबरी का एंगल नहीं दिया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से हम इसका हर पहलू की जांच कर रहे थे। फैमिली वालों के स्टेटमेंट लिए हमने, और जो डिसीज जिनकी हत्या हुई उनका मोबाइल हमने चेक किया। उस टाइम ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आया। कुछ एविडेंसेस से हमने दो आरोपी तुरंत अरेस्ट किए, और आज तक हमने उसमें कभी भी रॉबरी के सेक्शंस नहीं लगाए, कभी भी रॉबरी के एंगल को एक बार देख के रूल आउट कर दिया। पर दो अक्यूज हमने पहले अरेस्ट किए उनके उनके इंट्रोगेशन पे, और दो और उसके बाद और एक, और आज हमने 6 अक्यूज अरेस्ट किए हैं और राउंड द क्लॉक काम करके। अब आरती जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे है, ये घटना किस दिन हुई थी? 21 तारीख को। मैम, आज अगर आप तारीख बताएंगी, ये खबर आज सुर्खियों में आई है, 21 तारीख को ये घटना होती है, नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप डालने की बात अब आती है, इतने दिनों तक पुलिस खामोश क्यों थी? हम कभी खामोश नहीं थे। हम जब भी आरोपी अरेस्ट हो रहे थे, हम तुरंत हम प्रेस नोट दे रहे थे। मोटिव एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, सेंसिटिव केस है, तुरंत कोई भी मोटिव नहीं आया, और अभी भी सिर्फ प्राइमा फेसी हमें दिख रहा है। अभी भी कंफर्म हमारे पास कोई भी कंफर्म्ड एविडेंसेस अभी भी नहीं है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है, बाकी सारे एविडेंसेस को रूल आउट करके कि यही एक मोटिव हो सकता है।